लोगों के सामने लेकर के आया हूँ मैं प्लेजर प्लस का मिसिंग प्रॉब्लम। तो देख सकते हो आप लोग, गाड़ी खोल के रखा हुआ है, सीट भी, सीट और कवर वर सब इसका खोल चुका हूँ मैंने, और इसका मिसिंग प्रॉब्लम है। जैसे कि 30 या 40 जाने से गाड़ी झटका सा मारता है, तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व करना है आज। तो देख सकते हो मैंने फिल्टर विल्टर खोल के रखा है, तो देख सकते हो फिल्टर भी इसका सही है, तो फिल्टर का इशू नहीं है, फिल्टर इसका पूरा सही है। और इसका पहले हम लोग फ्यूल पंप चेक करेंगे। तो देख सकते हो आप लोग, फ्यूल पंप अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, और फिर से दिखाऊंगा मैं एक बार। देख सकते हो इसका फ्यूल पंप तो सही है, और हम लोग पहले इसका प्लग और लाइन भी चेक किया हुआ है, लाइन भी इसका सही है। और उसके बाद अभी हम लोग ये वाला इंजेक्टर देखेंगे कि इंजेक्टर का इशू है या क्या है, तो देखते रहिए आप लोग। तो इंजेक्टर खोल के देखते हैं इंजेक्टर का प्रॉब्लम है या क्या है। ज़्यादातर इंजेक्टर का प्रॉब्लम निकलता है इस गाड़ी में, जैसे कि मिसिंग कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग इंजेक्टर को चेक करेंगे कि इंजेक्टर सही है कि नहीं। इसका छोटा सा लॉक रहता है, इन लॉक को खोलना पड़ेगा। थोड़ा गंदा सा लग रहा है मेरे को, देख सकते हो इसको तेल पास शायद अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मिसिंग कर रहा है। हम लोग इसको साफ करके फिर से लगा के देखेंगे कि काम करेगा कि नहीं। तो देख सकते हो इंजेक्टर हमने साफ कर चुके हैं पूरी तरह से, फिर से एक बार खोल के दिखाता हूँ मैं आपको। इस तरह से ये खुलता है, इस तरह से देख सकते हो ये साफ है, और दोनों तरफ से ये साफ कर लिया है मैंने पहले ही। इसको एक बार फिर से साफ कर देते हैं, और ये वाला इसे लगा के, लगाने के बाद ही देखते हैं कि इस तरह इसका सोल्यूशन निकलता है कि नहीं। देख सकते हैं मैंने लगा दिया है ये इंजेक्टर, देख सकते हो लगा दिया है। इसे लगा के देखते हैं कि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगा कि नहीं। इंजेक्टर थोड़ा सा गंदा हुआ था, इसीलिए शायद इसका पेट्रोल पास नहीं हो रहा था अच्छी तरह से, इसीलिए मिसिंग कर रहा था। फिर एक बार साफ कर दिया है, अभी लगा के देखते हैं कि होता है कि नहीं। ये वाला फ्यूल का फ्यूल पंप का ये वाला है, ये लगा देते हैं। इसको थोड़ा सा कनेक्शन रहता है ये वाला, थोड़ा सा ये करके इसको लगाना पड़ता है इस तरह से। थोड़ा सा टफ है ये, इस तरह से लगा के इसका लॉक रहता है ये वाला, लॉक को इस तरह से लगा देना। देख सकते हो लग चुका है, अभी स्टार्ट करके देखते हैं। में पता नहीं चलेगा, इसको फिटिंग करके चला के देखना पड़ेगा तभी पता चलेगा। तो देखते हैं वीडियो में स्टार्ट करके देखते हैं, हम चला के देखते हैं एक बार, उसके बाद देखते हैं कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकला है कि नहीं। तो देख सकते हो मैंने वो इंजेक्टर साफ करने के बाद गाड़ी स्मूथ हो चुका है, अभी एक बार स्टार्ट करके आप लोगों को दिखाऊंगा मैं।
तो देख सकते हो स्मूथली स्टार्ट हो रहा है। तो साउंड भी इसका अच्छा ही निकल रहा है। तो अगर आप लोगों को ऐसा प्रॉब्लम निकलेगा तो आप लोग इंजेक्टर साफ कर दीजिएगा और फिल्टर देख के, तो फिल्टर देखने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।